कभी सोचा है कि मुंगेर, मोदीनगर और शिवकाशी में क्या समान बात है? ये तीनों शहर अपने इतिहास में एक समान सूत्र साझा करते हैं, क्योंकि एक समय ये भारत के औद्योगिक केंद्र जो ठहरे। एक समय मुंगेर शस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, जबकि मोदीनगर कपड़ा मिलों के कारण समृद्ध था और शिवकाशी ने पटाखों और माचिस की डिब्बियों के कारण अपना नाम बनाया। परंतु आज तो स्थिति कुछ और ही है। मुंगेर और मोदीनगर ने अपनी औद्योगिक चमक खो दी है और अब वे अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र रह गए हैं। अब दुर्भाग्य से शिवकाशी भी इसी राह पर चल पड़ा है। अब प्रश्न तो स्वाभाविक है, आखिर क्यों? तो सभी को सादर नमस्कार और जुड़िए हमारे साथ शिवकाशी के सामने वर्तमान चुनौतियों का पता लगाने एवं पर्यावरणीय चिंताओं एवं आर्थिक प्रगति के बीच टकराव की जांच करने। एक समय शिवकाशी तमिलनाडु के लिए वही था जो उत्तर प्रदेश के लिए कानपुर रहा करता था, अर्थात एक संपन्न औद्योगिक केंद्र। शिवकाशी केवल एक आर्थिक महाशक्ति नहीं था, यह संस्कृति और इतिहास से समृद्ध शहर था, जिसमें न केवल उद्योग की विरासत अपितु आध्यात्मिक महत्व भी था। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि शिवकाशी में भद्रकाली अम्मन मंदिर जैसे कुछ पवित्र स्थान भी है जो इसकी सांस्कृतिक संपदा को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अति लोकप्रिय सुपरस्टार श्रीदेवी का जन्म शिवकाशी के मुख्य नगर से थोड़ी दूर एक गाँव में हुआ था। अब ऐसी विविध विरासत कौन नहीं चाहेगा। शिवकाशी की अर्थव्यवस्था के केंद्र में तीन महत्वपूर्ण उद्योग है, पटाखे, माचिस निर्माण और छपाई यानी प्रिंटिंग उद्योग। इसकी सीमाओं के भीतर 520 पंजीकृत मुद्रण उद्योग, 53 माचिस कारखाने, 32 रासायनिक कारखाने, 7 सोडा कारखाने, 4 आटा मिल और 2 चावल एवं तेल मिले फली फूली। ये शहर देश भर में पटाखा निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता था। 2020 में शिवकाशी में लगभग 1070 पंजीकृत पटाखा निर्माण कंपनियों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 8 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया। कुछ निजी उद्यमों का वार्षिक कारोबार तो 500 करोड़ यानी कि $63 मिलियन से भी अधिक होने का दावा किया गया। 2011 में शिवकाशी में पटाखा, माचिस बनाने और प्रिंटिंग उद्योग का संचयी अनुमानित कारोबार प्रभावशाली रूप से 2000 करोड़ यानी कि लगभग $250 मिलियन था। आश्चर्यजनक रूप से भारत में उत्पादित लगभग 70% पटाखे और माचिस शिवकाशी से आते हैं। शहर की गर्म और शुष्क जलवायु ने इन उद्योगों के पनपने के लिए आदर्श परिस्थितियां तैयार की। इसके अतिरिक्त शिवकाशी ने डायरी उत्पादन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे भारत में उत्पादित सभी डायरियों में 30% का योगदान दिया गया। प्रारंभ में शहर में मुद्रण उद्योग मुख्य रूप से पटाखों के लेबल बनाने पर केंद्रित था, परंतु तब से काफी विकसित हुआ है, जिसमें एक गतिशील मुद्रण केंद्र के रूप में उभरने के लिए आधुनिक मशीनरी को भी सम्मिलित किया गया। शिवकाशी एक औद्योगिक शहर से कहीं अधिक रहा है। यह समृद्ध विरासत वाला एक जीवंत बहुआयामी समुदाय था और एक आर्थिक महाशक्ति था, जिसने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक ऐसा स्थान जहां संस्कृति, वाणिज्य और शिल्प कौशल पूर्ण सामंजस्य में थे। तो फिर शिवकाशी की समृद्धि को आखिर किसकी कुदृष्टि लग गई? इसके पीछे तीन प्रमुख कारण हैं: समाजवाद, समाजवाद और ढेर सारा समाजवाद। वो कैसे? इसी विचारधारा ने कभी अन्य समृद्ध औद्योगिक केंद्रों जैसे कि हथियार निर्माण के लिए मशहूर मुंगेर और कपड़ा उद्योग के लिए चर्चित मोदीनगर को एक घोस्ट टाउन में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनसे इनका औद्योगिक गौरव छीन लिया गया। अब इन जीवंत औद्योगिक केंद्रों पर समाजवाद की छाया कैसे पड़ी? 1950 में एक राष्ट्र के रूप में बिखरे और कुचले होने के बावजूद भारत को विरासत में इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, यहां तक कि जापान और चीन जैसे देशों से बेहतर बुनियादी ढांचा प्राप्त हुआ था। यदि हमने मुंगेर, मोदीनगर, कानपुर जैसे शहरों की क्षमता का दोहन किया होता जो अपने अपने उद्योगों में फल फूल रहे थे, तो भारत कुछ ही समय में एक औद्योगिक महाशक्ति के रूप में उभर सकता था। परंतु ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि नेहरू और उनके उत्तराधिकारियों ने फैबियन समाजवाद को ऐसा बढ़ावा दिया जिसके कारण न केवल हमारी आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हुई अपितु इन औद्योगिक शहरों की क्षमता पर भी ग्रहण लग गया। विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के बाद की सरकारों ने अहिंसा की वकालत करते हुए हथियारों के उत्पादन सहित कई उद्योगों पर गंभीर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए। कल्पना करें कि यदि इनके स्थान पर इन उद्योगों का पोषण किया गया होता तो इन कस्बों का परिदृश्य पूरी तरह से अलग होता। मुंगेर तो 1960 या 1970 के दशक में भारत का पहला रक्षा केंद्र यानी डिफेंस हब बन सकता था और मोदीनगर एवं कानपुर टेक्सटाइल उद्योग में मैनचेस्टर को मीलों पीछे छोड़ दिए होते। कुछ रिपोर्टें बताती हैं कि मोदीनगर की गिरावट का कारण पारिवारिक विवाद रहे हैं,
परंतु असल दोषी तो कोई और ही थे, ट्रेड यूनियन वादी, जिनका हड़ताल करना तो मानो उनकी दिनचर्या का दूसरा हिस्सा था। इसी तरह की रणनीति ने कानपुर, कोलकाता जैसे शहरों को पंगू बना दिया था और मुंबई को लगभग नष्ट कर दिया था। तो इसका शिवकाशी से क्या संबंध है? कहने को कुछ लोग दुर्घटनाओं और बाल श्रम को इस औद्योगिक केंद्र के पतन का कारण बताते हैं, जबकि सत्य तो कुछ और है। स्वार्थी पर्यावरण विदो यानी इन्वायरमेंटलिस्ट ने थुथुकुड़ी में स्टरलाइट संयंत्र को बंद कर भारत को तांबे के निर्यातक से आयातक में परिवर्तित करके शिवकाशी की ओर अपनी कुदृष्टि घुमाई। वायु प्रदूषण पर उनके प्रभाव पर विपरीत शोध पत्रों के बावजूद कई क्षेत्रों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के इनके सुनियोजित अभियान शिवकाशी की औद्योगिक चमक फीके पड़ने के प्राथमिक कारणों में से एक रहे हैं। इनमें से तो कई ऐसे हैं जो बिना एसयूवी के तड़पने लगते हैं, परंतु अपने सुख के लिए ये लाखों बच्चों को उदास करने और करोड़ों लोगों की दीपावली मनहूस बनाने के लिए भी तैयार है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के केवल हरित पटाखे बनाने के निर्देश के कारण आतिशबाजी निर्माण उद्योग पर अनिश्चितता मंडरा रही है, शिवकाशी और उसके संबद्ध उद्योगों में 8 लाख श्रमिकों को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही कोविड-19 महामारी सहित विभिन्न कारकों के कारण 1.5 लाख नौकरियां नष्ट हो चुकी है, परंतु अब भी यदि लोग इस सिलेक्टिव एक्टिविज्म का विरोध नहीं करते हैं जो तमिलनाडु में रोजगार को खतरे में डाल रही है और पूरे देश को प्रभावित करती है, तो आगे और भी नौकरियां जाने का खतरा है और इससे नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को ही होगा। अगर किसी पर्यावरण रक्षक को पटाखों से विशेष दिक्कत है तो वह कभी भी स्विट्जरलैंड या अमेरिका जैसे अपने प्रिय डेस्टिनेशन की टिकट कटवा सकता है, परंतु कुछ दिन की तकलीफ के पीछे लाखों लोगों की रोजी रोटी छीनने एवं बच्चों के मुख से मुस्कान छीनने का अधिकार इन एक्टिविस्टों को किसने दिया? यह दो मुहापन स्वीकार्य नहीं है। इनकी कुंठा के लिए हम अपनी संस्कृति और अर्थ से समझौता क्यों करें?